हाय एवरीवन, जय हिंद। कैसे आप लोग? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे लखनऊ यूनिवर्सिटी एमएड फर्स्ट सेमेस्टर का। आज फर्स्ट पेपर हुआ सेशन 2023-25 में, और पेपर हुआ 12 फरवरी 2024 में। फर्स्ट सेमेस्टर का फर्स्ट पेपर हुआ। हम किसकी बात कर रहे हैं? एमएड की बात कर रहे हैं। तो आइए जरा देखते हैं कि कैसा पेपर आया था, कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे, और क्या था पेपर्स में, क्या लेवल था पेपर का। जरा इस पर एक बार नजर डालते हैं। इसी बेस पे नेक्स्ट पेपर्स होगा, या फिर जो बच्चे नेक्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर देंगे उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा ये वीडियो। सो देखिए, पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। पेपर का पैटर्न एज इट इज़ था। 70 नंबर का पेपर था, 10 क्वेश्चन टोटल थे, इसमें से आपको 5 क्वेश्चन अटैम्प्ट करना था। हर एक सवाल 14 नंबर का पूछा गया था। तो पहला सवाल था दोस्तों, गिव योर आर्ग्यूमेंट्स ऑन द फिलोसफी एज अ लिबरल डिसिप्लिन। ये फर्स्ट यूनिट का काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है कि एक उदार अनुशासन के रूप में दर्शन शास्त्र पर अपने तर्क दीजिए, यानी कि लिबरल डिसिप्लिन से 14 नंबर का एक सवाल था। ये बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, छोटा ही टॉपिक है, लेकिन 14 नंबर का सवाल इससे पूछा गया था। लिखना थोड़ा सा टफ होगा, बहुत बच्चे प्रेफर नहीं करेंगे लिबरल डिसिप्लिन को लिखना, बट स्टिल अच्छा सवाल था जो कि रिपीटली पूछा जाता है। दूसरा सवाल था दोस्तों, दूसरा सवाल जो था वो काफ़ी अच्छा डिजाइन किया गया था 5वीं यूनिट से। रिकंस्ट्रक्टिज्म और लॉजिकल पॉजिटिविज्म के बारे में पूछा गया था। पुनर्निर्माणवाद और तार्किक प्रत्यक्षवाद, इन दोनों के बारे में आपको कमेंट करना था। टिप्पणी लिखता है, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग, ये 2 पॉइंट्स थे, इसके बारे में आपको लिखना था। 7-7 नंबर के थे और 14 नंबर थे, ये आपका दूसरा सवाल था। थर्ड की बात करें तो, व्हाट इज द रोल ऑफ स्कूल इन सोसाइटी विद स्पेशल रेफरेंस टू राइटिंग ऑफ इयान इलविच। तो दोस्तों, इयान इलिच की बात करें तो इयान इलिच के द्वारा के लेखन के विशेष संदर्भ में समाज के विद्यालयों की क्या भूमिका होनी चाहिए, समाज के विद्यालय की क्या भूमिका होनी चाहिए, किस तरीके से इन्हें समाज को विद्यालय के बारे में बताया था, किस तरीके से स्कूली शिक्षा का विरोध किया था, इस तरीके से उनके क्या ओपिनियन रहे थे उसके बारे में आपको बताना था। व्हाट इज द रोल ऑफ स्कूल इन सोसाइटी, स्कूल का क्या रोल है समाज के, विद स्पेशल रेफरेंस इयान इलिच के बारे में आपको यहाँ पे लिखना था। ये भी 14 नंबर का सवाल था, ये भी काफ़ी अच्छा सवाल यहाँ से पूछा गया था। ये मुझे ऐसा लग रहा है कि पिछले 5 सालों में देख रहा हूँ, तो ये थोड़ा सा नया सवाल यहाँ पे हमें देखने को मिला। अच्छा, चौथा सवाल बहुत ही अच्छा, बहुत ही फेमस, मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल, जिससे काफ़ी आसानी से प्रेडिक्ट किया जा सकता था कि डिस्कस द फंक्शन ऑफ फिलोसफी, फंक्शन ऑफ फिलोसफी के बारे में बताना था। डिस्क्राइब द वेरियस ब्रांचेस ऑफ फिलोसफी, ये एक ऐसा सवाल है जिसके बारे में श्योर था कि आना है। ब्रांचेस ऑफ फिलोसफी के बारे में जो हमेशा से पूछा जाता है, मेटाफिजिक, एपिस्टेमोलॉजी, एक्सियोलॉजी, इसको एक्सप्लेन करना था। इसके अलावा जो फंक्शंस ऑफ फिलोसफी थे, स्पेकुलेटिव, नॉर्मेटिव और एनालिटिकल, तो इस दर फंक्शंस और ब्रांचेस को एक्सप्लेन करना था। बेहतरीन से सवाल था, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल था, रिपीटेड सवाल था और अच्छा सवाल था। राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग, नेचुरलिस्टिक इंक्वायरी एंड नेचुरलिस्टिक मेथड ऑफ टीचिंग, प्राकृतिक जाँच और प्रकृतिवादी शिक्षण विधियों के बारे में। ये थोड़ा सा बीएड से रिलेटेड सवाल था, ये बीएड में जो मेथड्स ऑफ टीचिंग हमने पढ़ा है उससे रिलेटेड सवाल था कि नेचुरलिस्टिक इंक्वायरी क्या है और प्रकृतिवादी शिक्षण की विधियां क्या हैं उसके बारे में बताना है, कि नेचुरलिस्टिक मेथड्स ऑफ टीचिंग क्या है इसके बारे में हमें बताना था। ये भी थोड़ा सा अच्छा सवाल था, थोड़ा सा नया सवाल था, ठीक है। मतलब ये ऐसा कोई सवाल नहीं कि जो आपको कहीं बुक में मिलेगा या आपको कहीं सीरीज में मिलेगा, ये ऐसा सवाल है कि जो आपने नेचुरलिस्टिक मेथड ऑफ टीचिंग पढ़ी है उससे हिसाब से आपको लिखना है, और नेचुरलिस्टिक इंक्वायरी क्या होता है उसे आपको बना के ये लिखने वाला सवाल यहाँ पे था। छठा सवाल था दोस्तों, गिव अ कंपैरेटिव, मतलब एक कंपैरेटिव स्टडी करना है, कंपैरिजन करना है, कंपैरेटिव अकाउंट ऑफ आइडियलिज्म और रियलिज्म की, मतलब कंपैरिजन करना है आइडियलिज्म और रियलिज्म की, यथार्थवाद और आदर्शवाद का एक कंपैरिजन करना है। किस कंटेस्ट में दोस्तों, नॉलेज रियलिटी एंड द वैल्यूज, यानी कि ज्ञान मूल्य और वास्तविकता यथार्थ के संदर्भ में आपको तुलना करना है किसका, आदर्शवाद और यथार्थवाद की। तो अच्छा सवाल था, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, तो ये भी एक रिपीटेड सा सवाल है। अब इसके बाद जो सवाल था दोस्तों, वो 3 सवाल जो है वो अच्छे सवाल, जैसे कि यहाँ पे मार्क्सिज्म के बारे में पूछा था आपका, यहाँ पे मार्क्सवाद, प्रयोजनवाद और अस्तित्ववाद, ये तीनों वाद को अलग अलग पूछा था। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे तो मार्क्सिज्म और ये प्रैग्मेटिज्म और एग्जिस्टेंशलिज्म, इन तीनों के बारे में कि आपके मार्क्सवाद के प्रयोजनवाद और दार्शनिक और अस्तित्ववाद, इन तीनों वाद के बारे में पूछा था कि इनका एजुकेशन इम्प्लीमेंटेशन क्या है और ये क्या है इसके बारे में हमें बताना था। तो ये एक ऐसा सवाल है जो कि हर साल पूछा जाता है, हर साल 1 या 2 पूछा जाता है, लेकिन इस बार 3। अगर आप देखेंगे आदर्शवाद, यथार्थवाद, ये दोनों आए थे, प्रयोजनवाद आया है
और मार्क्सवाद भी आया है और अस्तित्ववाद भी आया है। तो आप देखेंगे तो पांचों के पांचों वाद आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, यानी कि चार सवाल तो केवल इन्हीं दो यूनिट से आ गया, ये काफी अच्छा रहा। ठीक है, लास्ट बट नॉट लीस्ट जो दसवां सवाल था, राइट अ शॉर्ट नोट्स ऑन इंटरप्रिटिज्म और ग्राउंडेड थियरी। ग्राउंडेड थियरी काफी रिपीटेड सवाल है, काफी इंपॉर्टेंट भी है। निम्न में संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, किससे व्याख्यावाद और धारातलीय सिद्धांत के बारे में पूछा गया था। सो एज आई कैन सी कि जो चार पांच सवाल आपको इसमें करने थे, आपने फिलोसफी और उसका फंक्शन और उसका ब्रांचेस कर लिया होगा। ठीक है, उसके अलावा जो रियलिज्म और आइडियलिज्म, यथार्थवाद आदर्शवाद को देखना है, मार्क्सवाद को देखना है, प्रयोजनवाद और अस्तित्ववाद, ये पांचों सवाल आपने किया होगा। तो ओवरऑल मैं यही कहूंगा कि पेपर ठीक था, लिखना बहुत पड़ा होगा, अच्छा पेपर था। रिपीटेड सवाल आए हैं, इस बार भी आए हैं जो कि हर साल पूछे जाते हैं। पेपर ये पैटर्न जो 10 में से 5 करना है थोड़ा सा आसान बना देता है बच्चों के लिए। सो ओवरऑल एक अच्छा प्रश्न था, रिपीटेड सवाल थे, मजेदार प्रश्न था, लिखने में मजा आया होगा। एक बार पढ़ के समझ के कॉन्सेप्ट उसके बाद पूरा लिखना रहा होगा इस पूरे पेपर में। तो मेरी तरफ से आप सभी को ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द सेकेंड पेपर, एंड सेकेंड पेपर के बाद जो कि 19 तारीख को है, हम फिर से आएंगे यहाँ पे, रिव्यू करेंगे, जानेंगे कैसा हुआ था पेपर। और उसके पहले मैं कोशिश करूंगा कि सेकेंड पेपर को एटलीस्ट अच्छे से पढ़ के आपको मैं एक्सप्लेन कर सकूं। तो 19 को आपका जो सेकेंड पेपर है, साइकोलॉजिकल परस्पेक्टिव ऑफ एजुकेशन इंडियन और वेस्टर्न दोनों में, काफी इंपॉर्टेंट सवाल आता है साइकोलॉजी का, इंडियन साइकोलॉजी और वेस्टर्न साइकोलॉजी, तो अक्सर सवाल पूछा जाता है। सो वील डिस्कस दैट फर्दर इन अनदर वीडियो। बाकी इस वीडियो में बस इतना ही पेपर डिस्कशन करना था। आई होप कि आप सबका पेपर अच्छा गया होगा। अगर आप एमएड फर्स्ट सेमेस्टर में हैं और आपने पेपर दिया है आज 22-12 फरवरी 2024 को, तो कमेंट में अपनी राय प्रतिक्रिया बता दीजिए कि पेपर कैसा हुआ, कितने पेपर्स, कितने पेजेस आपने, क्या लगा आपका पेपर। पहला पेपर हमेशा जो टाइम मैनेजमेंट में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, बट स्टिल वी ऑल आर एक्सपीरियंस्ड, हमने बीएड कर रखा है, सो इजिली वी कैन डू दैट। तो दोस्तों बस इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मेरी तरफ से बहुत शुभकामनाएं आपके लिए। वीडियो के लिए खुश रहिए, पढ़ते रहिए, लगे रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।